दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, अभी 27 तारीख को जो आपका पेपर हुआ था इंडिया पोस्ट का, जो यूपी सर्कल का आपका एग्ज़ाम हुआ था 27 तारीख को, 27 सितंबर 2024 को, उसकी ऑफिशियल जो आंसर की है, प्रोविजनल आंसर की आज आ गई थी सुबह, और वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर आप सभी के साथ शेयर भी कर दी थी। तो इन्होंने कहा है कि जो आपकी अभी प्रोविजनल आंसर की आई है, जो इसके अंदर बताई गई है, जो आपने चेक भी कर ली होगी, नहीं चेक करी है तो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आंसर की मैंने डाल दी थी, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने क्वेश्चन आंसर मिला सकते हैं। आप अपनी सीरीज के हिसाब से, जो भी आपका कोड था ए बी सी डी, उसके हिसाब से मिला सकते हैं। अब देखो, हमने जब पेपर सोल्व किया था उस टाइम पे हमें 2-3 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन भी लगाना था, तो इन्होंने कहा है कि आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कब से कब तक? तो अभी से लगा सकते हैं, चाहे आज से लगा देंगे, लेकिन इन्होंने एक लास्ट डेट बताई है कि 3 अक्टूबर 2024 शाम को 6 बजे से पहले पहले आपको इस मेल के ऊपर एनेक्शर फर्स्ट के फॉर्मेट पे अपना ऑब्जेक्शन वो भेजना है। अब ये एनेक्शर फर्स्ट क्या है? तो पहली बात तो इस ईमेल आईडी को आप नोट डाउन कर लो। इस ईमेल आईडी के ऊपर आप अपने ऑब्जेक्शन भेजेंगे। ये ईमेल आईडी है rect.up@indiapost.gov.in, ये आपकी ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी के ऊपर आपको इस एनेक्शर फर्स्ट के फॉर्मेट के ऊपर ऑब्जेक्शन भेजना है, ठीक है। अब ये फॉर्मेट किस हिसाब का वो देख लो। सबसे पहले तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, और आपका ऑफिशियल जो एड्रेस है ना, जो आपका परमानेंट एड्रेस है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो नाम और एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपके जो रोल नंबर हैं, आपके एडमिट कार्ड पर रोल नंबर होंगे, वो रोल नंबर यहाँ पे मेंशन करने हैं। इस हिसाब से आप अपनी टेबल सेट कर लेना, या फिर मान लो 3 ही क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाले हैं तो इसी का ही प्रिंट आउट आप निकलवा लेना, नहीं तो इस फॉर्मेट के ऊपर आपको वर्ड में तैयार करना है सब कुछ, ठीक है। टाइप करवा लेना किसी से, या फिर आप इसका ही प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सीरीज ऑफ क्वेश्चन पेपर, जो आपकी सीरीज थी, जो आपका कोड था ए बी सी डी, जो भी है, तो वो आप इस हिसाब से मेंशन करेंगे। जिस सीरीज के अंदर कौन सा क्वेश्चन नंबर है, जिसके अंदर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं, वो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चन विद ऑल 4 आंसर ऑप्शन, जो भी क्वेश्चन आप डाल रहे हैं उसके चारों ऑप्शंस के डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे, और उस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर है उसमें क्या गड़बड़ है, क्या आपका इनकरेक्ट के ऊपर व्यू है, वो यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन करेंगे, लिखेंगे उसके बारे में, भाई ये गड़बड़ है। अब जैसे मान लो किसी को अंग्रेजी में दिक्कत आती है, तो आप इंग्लिश में भी हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हिंदी में लिख देना, भाई इस क्वेश्चन में ये गड़बड़ है, इस टेबल के अंदर फॉर्मेट थोड़ा सा बढ़ा लेना जिसमें अच्छे से आप लिख पाओ। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं जिन पे आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहें, सीरियल नंबर वाइज लिख के, क्वेश्चन नंबर लिख के, डिटेल के आंसर्स लिख के उनके, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू दे करके आप भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी लिख दी है, जैसे मान लो आपके पास कोई प्रूफ है जो साथ में लगाना चाहें, तो वैलिड कोई भी रूल, इंस्ट्रक्शन या डॉक्यूमेंट जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में आप लगाना चाहें, तो वो इसी पीडीएफ के साथ में अटैच करके और आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आप अपना प्लेस लिख सकते हैं, जहाँ आपका सिटी है ना, जहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस है, वो प्लेस लिख देंगे और डेट मेंशन कर देंगे, यहाँ पे अपने साइन कर देंगे, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो भी है एक्स वाई जेड, वो अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जब ये फॉर्मेट बिल्कुल तैयार हो जाए तो आप एक बार जरूर मेरे पास व्हाट्सअप मैसेज कर देना, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कोई दिक्कत आए आपको तो इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना कि सर ये फॉर्मेट मैंने सही भरा है या नहीं भरा, तो उस हिसाब से मैं अपनी राय भी दे दूंगा, ठीक है। इस हिसाब से आप जिन भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और जिस भाई का मेरे को पसंद आ गया, बढ़िया तरीके से उसने लिख रखा है, तो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे चैनल पे शेयर कर दूंगा, फिर उस हिसाब से आप कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। तो इसमें हिंदी में लिख दो चाहे अंग्रेजी में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ऑब्जेक्शन जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन लगा देंगे। जो क्वेश्चन जो मैंने गड़बड़ वाले बताए थे आपको, वो वीडियो जब हम क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे उसमें मैंने ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन बताए भी थे। जो भी गड़बड़ है जिस भी क्वेश्चन में, उस हिसाब से आप अपने ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं 3 अक्टूबर से पहले पहले। तो आप आज ही अपना काम शुरू कर दो, ऑब्जेक्शन लगाने का फॉर्मेट तैयार कर दो, चाहे आप इसकी जो पीडीएफ है इसकी फोटोकॉपी आप निकलवा लें, उसको फिल करके अच्छे से, और उसके साथ में अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा करके ईमेल करना है। ईमेल आईडी यहाँ पे ध्यान रखना, ये ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी के ऊपर आपको ईमेल करना है। सब्जेक्ट में लिख देना जो आपका पेपर है, यानी स्टाफ का ड्राइवर, और ब्रैकेट में लिख देना ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरीके से अपना ईमेल के अंदर सब्जेक्ट लिख देना, ठीक, क्योंकि ये जो ईमेल बनाई गई है ना, ये तैयार किया गया पोर्टल एक तरीके से, ये आपके लिए ही तैयार किया गया, तो इस पर ऑब्जेक्शन वाले ही क्वेश्चंस आएंगे, तो वो 3 तारीख के बाद ऑटोमेटिकली वो बंद ही हो जाएगी, फिर वो बाद में मेल चेक नहीं करेंगे। उससे पहले जितने भी ऑब्जेक्शन आएंगे तो वो चेक करेंगे, उन क्वेश्चंस के ऊपर रिव्यू करेंगे। एक एक मेरे भाई का क्वेश्चन आ रहा था, सर सबको ऑब्जेक्शन लगाना जरूरी है क्या? भाई सभी ऑब्जेक्शन लगाएंगे तभी आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज वो रिव्यू में डालेंगे ही नहीं।
सभी डालोगे तो आपकी बात मानेंगे कि भाई हाँ सभी क्वेश्चन, सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही क्वेश्चन गलत बन रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो उस पर फिर रिव्यू करेंगे बाद में जब आपकी ओरिजिनल आंसर की आएगी, यानी फाइनल या रिवाइज आंसर की आएगी, उसमें उस क्वेश्चन को गलत माना जाएगा और उस क्वेश्चन का जो नंबर है आपको वो फोकट का मिलेगा, मतलब बोनस मार्क्स सभी को मिलेगा। तो इस पे आप सभी ऑब्जेक्शन लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में जुड़ने के लिए।